मलेशिया से आयो? अरे है कहाँ से? इन तीनों को किडनैप कर लो। ले लो ले लो, तीनों को ले लो, चलो साथ में ले जाते, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, डर जाएंगे। शंख दिखाओ तो, वजन वाला। वजन है भाई, बजता भी गजब होगा। और सुबह के अभी 10:30 बजे, 10:30 से 11:15, और यहाँ वाटर सप्लाई पॉइंट से बाल भोग और चाय प्रसाद लेकर अब रुंड गांव में प्रवेश कर रहे हैं। और रुंड गांव और बालोद दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नाम ही अलग है, बाकी एक दूसरे में एक ही गांव है। नर्मदे हर। और टोटी दरा रूंड गांव को पार कर हम बालोद पहुंचे। ये तीनों गांव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और गांव में बालोद में प्रवेश करते ही माँ काली माता का मंदिर है, या मैया के अलग अलग स्वरूप है, दर्शन होते हैं माँ काली अम्बा जी। और ये जो विग्रह है, इनके नीचे पुराने विग्रह भी है। और ये मंदिर भी काफी भव्य है। ये किसी कमला बैन प्रभात सिंह गुमान सिंह बारोट के स्मरण में बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए बालोद में ऐसे पुराने घर बहुत हैं जो अभी भी खड़े सही सलामत। देखिए जहाँ से आए हम वहाँ से, और ये किसी टाइम में हवेली रही होगी। और नर्मदा मैया के तट पर आ गए हम। चलिए आगे आ जाओ। हाँ, और ये आ गया रामनाथ महादेव मंदिर। ये रामनाथ है, और यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो दत्त मंदिर आएगा। और ये मंदिर भी काफी पुराना मंदिर है। ऊपर से देखिए, नीचे से इसे रिनोवेशन किया गया। और इस तरफ भगवान गणपति का मंदिर बना हुआ है। सामने गुरु वासुदेवानंद सरस्वती हॉल है। भव्य जगह यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी परिक्रमा वासी रुक सकते हैं। वैसे बालोद में दत्त मंदिर ही जाते लोग। इस तरफ टॉयलेट बाथरूम की भी व्यवस्था है। चलिए दर्शन करते हैं भगवान के पहले। और ये देखिए मंदिर का रिनोवेशन किया हुआ है। मगर ये नंदी महाराज देखिए आप कितने प्राचीन हैं। दर्शन कीजिए नंदी महाराज के। और जो आगे कश्यप महाराज है उनके दर्शन कीजिए। बिल्कुल नजदीक से दर्शन कीजिए रामेश्वर भगवान के। और यहाँ पर शंख भी बहुत बड़ा पड़ा है। और यहाँ पर भी कितने शिवलिंग है भाई?
वो सीढ़ी अलग से है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। और इस तरफ बिल्कुल गुफा नुमा मंदिर बना हुआ है। और मंदिर के इस तरफ श्री टैंबे स्वामी जी की ओरिजिनल फोटो है। नहीं, ये श्री मधुसूदन महाराज है कोई। यहाँ पर रंग अवधूत महाराज विराजमान है और यहाँ पर टैंबे स्वामी महाराज का आसन है। यहाँ पर पुराने ऐसे जंगले वाले घर बहुत मात्रा में। और इधर से आते हैं तो दत्त मंदिर जाने से पहले दत्त मंदिर को ये रास्ता जाता है। उससे पहले अति प्राचीन तीर्थ आता मोक्षनाथ महादेव। जय श्री शंभो। नर्मदे हर। कहाँ से हो माता जी आप? मलेशिया। मलेशिया से आए हो? अरे है वो कहाँ से? मलेशिया से बोले? हाँ, पुणे से हो। जी जी। और परिक्रमा के लिए आयो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पिछले साल आपके पूरे वीडियो देख के, आपकी पहली वाली खंडित थी, फिर जी आपने फिर शुरू की, वो जी सब जी देखा मैंने। क्या नाम है आपका? प्रमदा कुलकर्णी जी। अभी दत्त मंदिर में रुका? जी, अभी अरण्येश्वर जाके आए सुबह। कहाँ पर है अरण्येश्वर? 7 किलोमीटर है। तो वापस आए? हाँ, क्योंकि वहाँ से रास्ता नहीं है, आना पड़ता है वापस। ऐसा, 14 किलोमीटर हो गया। ठीक है ठीक है, मिलकर खुशी हुई। नर्मदे हर। या मोक्षनाथ के दर्शन कर आगे हम दत्त मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और आगे ही थोड़ा ही आगे जाने पर दत्त मंदिर है। और ये बालोद का एक मुखी दत्त मंदिर है। और यहाँ पर हूबहू टैंबे स्वामी जी की मूर्ति स्थापित की गई, बनाई गई है।
और ये चित्र है एक मुखी दत्त मूर्ति की जो यहाँ पर स्थापित है, और दत्त मंदिर के पास में देखिए नर्मदा मैया। नीचे जाने के लिए घाट बना हुआ रास्ता सीढ़िया, देखिए यहाँ पर कमल है और लाल कलर का नहीं है, ब्लू कलर का कमल है। और दोपहर के अभी 3:30 बजे और बालोद के दत्त मंदिर से हम आगे बढ़ रहे, रवाना हो रहे, और यहाँ दर्शन कर लीजिए भगवान के। हो गए तैयार गणपत जी? चलिए, गणपत जी सो गए थे तो इनके सोकन सोने के चक्कर में लेट हो गया आज। आप नहीं सोए? मैं नहीं सोया, मैं सोचता हूँ कि तुम उठो तो निकले। और यहाँ मोक्षनाथ महादेव मंदिर से हम अविदा के रास्ते जा रहे थे, तो रास्ते में ये बहुत ही सुंदर मकान है और यहाँ पर हमें माता जी और ये बाबा जी मिले हैं, और ये भी हमारे वीडियो देखते सब्सक्राइबर है, खुशी हुई है जानकर। नर्मदे हर। कपिराज, कपिराज को देखो आंतंग है, कोई फिक्र नहीं है, डरने की जरूरत नहीं और हमें डराने की जरूरत नहीं है, खाओ पियो मौज करो तुम। गुस्सा की मत करना बैग छीनने की। नर्मदे हर। और अभी हम बालोद से अविदा के रास्ते पर है, और अविदा की दूरी यहाँ से 7 किलोमीटर है बालोद से। और दोपहर के अभी 4:30 बजे और बालोद से हम करीब 2.5 किलोमीटर चलकर आ गए। और एक बात बताना भूल गया था, बालोद में जो मोक्ष धाम मंदिर है वहाँ पर परिक्रमा वासियों के रुकने और भोजन की अच्छी व्यवस्था स्थानीय नागरिकों के द्वारा होती है। दत्त मंदिर में भी होती है मगर वहाँ पर लिमिटेड, मोक्ष धाम में ज़्यादातर होती है। हम भी मोक्ष धाम में ही गए थे और अच्छी व्यवस्था वहाँ पर होती है। इन तीनों को किडनैप कर लो ले लो ले लो, तीनों को ले लो, चलो साथ में ले जाते, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, डर जाएंगे डर जाएंगे डर जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, हम मजाक कर रहे हैं, डरा दिया बच्चों को क्या देंगे दे दो वाह अरे पैसा दे रहा हूँ डर बैठ के जल्दी तो नहीं भाग जाएंगे। तीनों ले लोगे? तुम्हारा नाम बताओ। हाँ नाम बताओ, पहले नाम बताओ। तेरा नाम क्या बेटा? नाम सुझे तारो। हाँ अमितेश। तारो तू भावेश, तू बेटा हाँ वेदई, जो भी है बेटा ले लो, तीनों मिलके मैं लेना हा? जाओ बेटा, बस सबको हो गया बेटा, जाओ गया। ये लड़की है, ये लड़की है, ये भी लड़की है, ये भी लड़की है। चलो बट नर्मदे हर बोल, नर्मदे छूट। और रास्ते में ये बहुत बड़ा सोलर पैनल लगा हुआ है। हाँ असल सर सर असल देखा है, यूं सन असल देखा है, असल देखा है, बेटा असल देखा है बाप। नर्मदे हर दादा।
और अविदा यहाँ से कोई 3.5-4 किलोमीटर है, और दोपहर की हमें चाय नहीं मिल रही, चाय मिली नहीं मिल गई। कब के हमारे गणपति चाय चाय कर रहे थे, यहाँ देखे चाय की नदियां बह रही। चाय उबल के आ गई क्या? गणपति देगी चाय की नदी मिली हमें तो। पी लो गिलास भर के चलो। और यहाँ देखिए इसका कलर देखिए, बिल्कुल चाय के जैसा ही लग रहा है पानी का कलर। ये पानी ऐसा क्यों आ रहा है? हाँ ऐसा ही आ रहा है, बोरिंग क्यों रहा है? हाँ हाँ नर्मदे हर। और देखिए इन खेतों के रास्ते में कोई मिले ना मिले चिंता की फिक्र की बात नहीं है, इस प्रकार के बोर्ड हर जगह पर लगे मिलते हैं। तो ये जिसने भी सेवा की है अच्छी की है। और ये कौन सा आया? जरसाड़। और सामने एक बहुत ही पुराना मंदिर है। और इस गांव छोटा सा गांव है, 8-10 घरों का गांव है। यहाँ पर ये वाती जी महाराज क्या मंदिर है छोटा सा, और पीछे एक शिव मंदिर है जहाँ पर पिछली बार हम विश्राम करने बैठे थे। ओहो पहचान रहा तुम्हें? हाँ हम, नाम तो है नहीं किनका है पता नहीं, पर शिवालय है यहाँ पर। देखिए बिल पत्र का पेड़ है। जय शिव शंभू। और संघ तो बहुत ही विशाल का है, अभी दोपहर का समय नहीं तो मैं बुझा देता। संख दिखाओ तो वजन वाला। वजन हो गई, बस्ता भी गजब होगा, पर अभी बिना टाइम के बजा नहीं सकते। ताकि ये तो नर्मदेश्वर है, मैया से लाए हुए हैं। बजरंग बली आपके दर्शन बाद में किए, कमेंट आएंगे कि गणपति जी और बजरंग बली के दर्शन पहले करने चाहिए। कोई बात नहीं, बैठो थोड़ी देर विश्राम करो, विश्राम करने के लिए भी बहुत ही अच्छी जगह है। और पिछली बार भी मैंने आपको बताया था ये जो सामने मंदिर के घर बना हुआ है इसकी बनावट 1965 की है, और देखिए दीवार में प्लास्टर नहीं है फिर भी ये दीवार कहीं से टूटी नहीं है। बाकी अभी की दीवारें 10-15 साल में तो बिखर जाती हैं। है प्लास्टर आपको दिखाई दे रहा है? चूने से बनी हुई है और फिर भी कहीं से प्लास्टर निकला नहीं। और ये स्कूल है, ये 1965 में बनी हुई स्कूल है, कुमार शाला ऊपर लिखा हुआ है, और अब किसी का घर है। दिखाने वाला रास्ता ऊपर दिख रहा है। हाँ हाँ वो तो ठीक है। चलिए चलिए भाई, क्षेत्र में गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ देखो गन्ना गन्ना गन्ना, क्या बात है। इसका तो स्लो मोशन सीन बनता है यार। दो 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 दे।
शाम के अभी 5:30 बजे और अभी तो अभी भी 2 किलोमीटर दूर है। आज हम लेट हो जाएंगे, वैसे लेट नहीं, 6 बजे तक तो हम पहुंच जाएंगे, मगर फिर भी लेट है हमारे हिसाब से, क्योंकि हम 4:30 से 5 बजे तक रुक जाते। और फिर से एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी बताया था कि जो कमेंट आपके द्वारा कमेंट में प्रश्न पूछे जाते उनके लिख कर जवाब दे पाना अभी परिक्रमा में संभव नहीं होता, और इसीलिए मैं आप सभी की जो कमेंट प्रश्न पूछे जाते उनके वीडियो बनाऊंगा प्रश्नोत्तरी का, और 10, 20 और 30 तारीख हर महीने की उसे रिलीज करने का प्रयास करूंगा। तो आप वो वीडियो अवश्य देखें। नर्मदे हर। फिर भी हम 5:30 बजे अभी तक पहुंचने वाले, अभी तक अभी 1 किलोमीटर दूर है, और थक गए थे तो रास्ते में यहाँ बेंच लगी देखी तो विश्राम के लिए बैठ गए, चलेंगे बराबर। कैसे आज थकान कैसी लगी? आज बराबर है, बराबर है, नहीं थकान नहीं। ठीक है, चलिए अंधेरा होने को है, उठाइए अपना जोली झंडा। आप भी उठाइए। हम भी उठा लेते हैं, उठाना ही पड़ेगा ना हमें भी। पसीने से एक बैग भी गीला हो गया। और फाइनली 6:00 बजने से पहले हम अविदा गांव में पहुंच गए, और जो सामने मंदिर का ध्वज दिखाई दे रहा है यही रामेश्वर मंदिर है, और यहीं पर परिक्रमावासी रुकते हैं। और ये रामेश्वर मंदिर आ गया, और ये सामने देखिए अविदा गांव है। नर्मदे हर। चलिए भाई, और ये रामेश्वर मंदिर है, और पिछली परिक्रमा में भी हम यही रुके थे उस सामने के हॉल में, और इस बार हम यहाँ रुके। और आज यहाँ कोई फंक्शन भी था, गणपत जी कहाँ गए? बाथरूम इधर है, हाँ हाँ, और हाथ पैर धोने का क्या हुआ? और यहाँ पर तो कश्यप जी अलग ही प्रकार के, ऊपर कोई यंत्र भी बना हुआ है। जय बजरंगबली, हे गजानन महाराज। और ऐसी प्रतिमा यहाँ पिछले दर्शन कीजिए भगवान रामेश्वर जी के, कुदरती शिवलिंग है, यहाँ पर कोई बनावट नहीं है। और ये दरवाजा भी देखिए बहुत ही पुराना है, इसका कलर किया हुआ है,
और अभी अभी आरती हुई है। चलिए भगवान आरती लीजिए। और अभी जाके रामेश्वर मंदिर में आकर पूजा पाठ कर हमने अभी भोजन प्रसाद पा लिया है। और अभी शाम के 7:15 बजे तो आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। और आज की यात्रा हमारी होती है, कहाँ से निकले थे, मारुति धाम आश्रम से अविद्या तक 14 किलोमीटर की। तो इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। और आज अविद्या में हमसे मिलने के लिए जिग्नेश भाई और सुरेश भाई आए थे। सुरेश भाई ऑलरेडी से आए थे और जिग्नेश भाई अविद्या का ही है। तो मिलकर इनसे खुशी हुई। और आगे भी वीडियो देखते रहिए, इसी प्रकार मिलते रहिए। नर्मदे हर, नर्मदे।